सबसे ज्यादा अगर फौजी मरे हैं भारत के और अपने ही देश के आतंकवादियों से मरे हैं, अपने ही देश में पत्थरबाजों से मरे हैं, तो उस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। और ताज्जुब और हद उस वक्त हो गई, उस राज्य की चुनी हुई मुख्यमंत्री ने एक योजना निकाली और उस योजना में यह कहा गया कि जो आतंकवादी अपना हथियार रख देगा उस आतंकवादी को राज्य सरकार 12 लाख रुपए की एफडी कराएगी ताकि वो अपना जीवन आराम से जी सके। ये हुआ और ये मेरे और आपके टैक्स से हुआ। हमने नहीं पूछा, इसीलिए मैं कह रहा हूं यह सवाल भारत के आम नागरिक को पूछने का अधिकार है। यह जेएनयू में भी नारे लगाने वालों ने नहीं पूछा, ज्यादातर वालों ने भी नहीं पूछा, हैदराबाद वालों ने भी नहीं पूछा, ये लोकतंत्र के लिए चिल्लाने वालों ने भी नहीं पूछा, लेकिन यह हो रहा। तब हम लोगों को यह लगा कि हम इसके बारे में देश को बताएं, और देश को जब बताएंगे तो मुझे लगता है कि इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि देश के लोगों को अंदर तक ये झकझोर देगी। और अगर देश के लोग इसको समझ गए और देश भर में इस पर चर्चा होने लगी, जगह जगह इसके बारे में सवाल पूछे जाने लगे, तो उसका नतीजा यह हुआ कि मुझे अपने जीवन का यह पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट था। आप सब जानते हैं मैं पेशे से पत्रकार था, मैंने सोच समझ के नौकरी छोड़ी और अपने जीवन में एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की कि एक लीगल इशू है, कोर्ट उस पर क्या फैसला लेगी कोर्ट के हाथ में है, लेकिन मैंने कहा कि इस देश के लोगों को अगर सच बता दिया जाए तो मेरा अभी भी यकीन था कि आज के दौर में जो युवा पीढ़ी है खासतौर से, जो चलते चलते स्कूटर पे भी साइकिल पे भी पैदल है, वो कान टेढ़ा करके चलते हैं, तो दिन भर मोबाइल पर रहते हैं। अगर इसको हम डिजिटल मीडिया पे और आज के मोबाइल का इस्तेमाल करके लोगों तक सही बात छोटे और सरल शब्दों में पहुंचा देंगे तो जरूर इस देश में आंदोलन खड़ा हो जाएगा। और उसका फायदा यह हुआ कि चाहे गुजरात में जगदीश महाजन साहब हो, अहमदाबाद में हो, सूरत में हो, बॉम्बे में हो, जयपुर में हो, देश भर में पिछले 2-2.5 साल में 100-150 से ज्यादा इस किस्म की मैं भाषण दे चुका हूं। मेरे साथ में रॉ के पूर्व डायरेक्टर जनरल आर एस एन सिंह साहब, मेजर जनरल डी डी बख्शी, सुशील पंडित, ये तमाम सारे लोग अलग अलग विषयों पर लोगों को बता रहे थे। और मैं उस दिन बड़ा संतुष्ट था जब ये इतना चर्चा का विषय बन गया कि एक पार्टी ने इलेक्शन के पहले चरण के बाद जब अपना मैनिफेस्टो जारी किया तो उनके मैनिफेस्टो में पहली बार आया कि हम धारा 370 के अलावा 35A को भी आते ही हटाएंगे। जिस धारा के बारे में 19 अगस्त 2014 से पहले देश नहीं जानता था, उस 14 में 4 साल लड़ाई लड़ने के बाद 2 दिसंबर 2017 को इस्तीफा दे करके पूरे देश में सिर्फ बताया, मैंने किसी से कोई सवाल नहीं किया, मैंने ये नहीं पूछा आप इस पार्टी में हैं, उस पार्टी में हैं, इस विचारधारा के हैं, मैंने सिर्फ इतना पूछा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि इस धारा के जो प्रावधान किए गए हैं, जो कश्मीर में हो रहा है, जो आप सुनते हैं कभी कभी टेलीविजन पे, लेकिन जो असल बात है उसको छुपाई जाती है, बताई नहीं जाती है। तो जिस ताकत के साथ कोशिश की उसका अंजाम ये हुआ कि जब राजनीतिक दलों ने अपने मैनिफेस्टो में खासतौर से भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया तो ये तो महसूस हो गया कि इसमें वोट हैं, ये वोट का मामला है और इससे देश का वोट मिलेगा, जम्मू कश्मीर का मिले ना मिले ये पता नहीं, लेकिन लोग ये सवाल जरूर पूछेंगे कि सरकार भी करोड़ रुपया देती है, आतंकवादी अपना हथियार रख दे तो उसे 12 लाख रुपए की एफडी मिलती है, लेकिन भारत की माइक और भारत की प्रभुसत्ता को बचाने वाला हरी वर्दी में अगर मारा जाता है तो उसको 2 लाख रुपए भी नहीं मिलते।
हम बहुत भारत माता की जय के नारे सुनते हैं और इस देश के हर गांव में एक फौजी की लाश जाती है और 2-3 दिन तक वहां बड़ा ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन 10 दिन के बाद उस विधवा माँ उस विधवा बहन के पास कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता। कुछ लोग फोटो खिंचवा लेते हैं, अब क्योंकि टेलीविजन है, 250-300 टेलीविजन है, कुछ को थोड़े दिन तक चलाते हैं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन उनके घर में चूल्हा कैसे जलेगा, उनके घर की कठिनाई कैसे होगी, इसके बारे में कोई चिंता नहीं करता। क्यों? इसलिए नहीं करता कि हमारा समाज बहुत सेल्फिश है। हम इस बात की कतई चिंता नहीं करते कि जिन लोगों ने हमारे लिए जान दी है, हम कम से कम पड़ोस में जाके पूछ के आए, हम उनके लिए कोई मूवमेंट चलाए, सरकार ने क्या किया नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी सोच है, एक ऐसी सत्ता है जो अपने आतंकवादी के बारे में भी सोचती है, जो भारत के संविधान को ब्लैकमेल करती है, भारत की दिल्ली की सरकारों को ब्लैकमेल करती है सिर्फ अपने एजेंडे के लिए, अपनी नाजायज मांगों को मनवाने के लिए। तो दो अलग अलग सभ्यताएं हैं। आप 5000 साल की आदर्शवाद में रहते हैं, आप उनके मूल्यों और परंपराओं को जीते हैं, और कुछ लोग कहते हैं आज जो है हम उसी तरीके से जिएंगे, हमारा कोई आदर्श नहीं। और इसी आदर्श समाज की गफलत में रहने से हर आदमी को आदर्शवादी होना चाहिए, यह उस वक्त की बात है जब समाज पूरा आदर्शवाद हो। लेकिन एक आदर्शवादी व्यवस्था को आतंकियों, लुटेरों, रेपिस्टों के बीच में आप स्थापित करने की कोशिश करेंगे, आप हर बार हार जाएंगे। यह बिल्कुल ऐसा ही है कि दुनिया की बेहतरीन फुटबॉल की टीम जो वर्ल्ड चैंपियन 4-4 बार रही हो, 4-4 बार रही हो, जब वो वर्ल्ड कप खेलने हिंदुस्तान के किसी गांव में आएगी तो आप यकीन मानिए वो गांव के लोग ब्राजील जैसी 4 बार वर्ल्ड चैंपियन को हरा देंगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो जिस पेडिस्टल पर फुटबॉल खेलेंगे वो नियम के तहत खेलेंगे। वो जो बेचारा गांव वाला है उसको कोई नियम से मतलब थोड़ी नहीं, वो तो गोल कैसे भी कर देगा। लिहाजा ये जो आदर्शवाद है, जिस आदर्श के चलते आज से हजारों साल पहले आपने जीवन दिया, आप लोगों ने अपने इतिहास में खासतौर से मैं इसका जिक्र इसलिए करूंगा कि रानी साहिबा के साथ जब बैठा हुआ था तो जैसलमेर की बात हो रही थी, पाकिस्तान के प्रांत की सिंध की बात हो रही थी, क्योंकि वो एक रोल मॉडल है और आज के युवाओं को उसके बारे में पता होना चाहिए। जो आप आज कर रहे हैं वो शास्त्रों में भी किसी ने किया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? इतिहास इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि इतिहास में आपने सवाल का जवाब ठीक लिख दिया और 50 में से 40 नंबर मिल गए। इस देश में इतिहास सिर्फ नंबर लाने का सब्जेक्ट नहीं है। इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है कि जो हमारे पूर्वजों से गलतियां हुई हैं वो हमारा वर्तमान न करे, और जो वर्तमान आदर्श रखेगा उससे भविष्य बनेगा। लेकिन हमारे यहां इत्तेफाक से इतिहास लिखा भी गलत गया, पढ़ाया भी गलत गया। जो लुटेरे थे वो हीरो हैं और जो हीरो थे उनको दफन कर दिया है। और हम तमाम सारे लोग, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूं इस देश में, बहुत लोग हैं जिनको लगता था कि नंबर लाने के लिए, पास होने के लिए जो इतिहास पढ़ा उसके अलावा भी बहुत कुछ है, वो भी पढ़ना चाहिए। सब कुछ क्लास में पढ़ा दिया जाता हो और क्लास की किताब अगर भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो कमेटियां बनाई थी उसकी अगर बैकग्राउंड आपको पता होती तो शायद आप ये समझ पाते कि आप आखिर
70 साल के अंदर आप कैसे ये देश 1947 के मुहाने पे फिर खड़ा हो गया है, क्योंकि हम अपनी निजी जिंदगी में इतने ज्यादा बिजी हैं, हमारे पास समय नहीं है। शायद कभी कभी मैं ये बात इसलिए पूछता हूं कि जो और दुनिया की कौमें हैं उनके घरों में भी वही समस्याएं हैं, उनके घरों में भी वही परेशानियां हैं, लेकिन सिर्फ एक समाज है जिसे हिंदू समाज हम तमाम कहते हैं, इसको अपने पड़ोस में होने वाली घटना की भी चिंता नहीं है। ये समस्या और संकट जब तक बेडरूम में आकर के दस्तक न दे दे तब तक ये उठता नहीं। पूछता नहीं कि अगर कोई संकट मेरे घर में आने वाला है अगर उसे रोकना है तो वो मोहल्ले में न घुस पाए। हम तो पड़ोसी के यहां भी कोई घटना घट जाती तो कहते क्या पता पड़ता ही तो उनके घर की प्रॉब्लम है। जब तक हमारे साथ न घटे तब तक हम नहीं होते। और आप अपने बीच में रहने वाले लोग, इसी समाज में रहने वाले लोग, इसी देश में रहने वाले लोग, आप अपने उन दुश्मनों से जिनसे आप लड़ रहे हैं सासों सास, उनसे भी कुछ सीखते नहीं, उनसे भी आप देख करके नहीं कहते कि आखिर ये क्या बात हो रही है।